बहुत ज़्यादा। फिर मैं बाबा के दर्शन के बाद अब हम बाहर निकल चुके हैं, तो बहुत जोरों की भूख लगी थी हम लोगों को। तो फिर हम लोग यहाँ अंबर होटल आए, फिर वहाँ पे हम लोग राइस ऑर्डर किए एंड देन पनीर और जो भी सब्जी सब है, रोटी सब है, सिंपल खाए। तो अभी दिन का कितना बजा है दिखाओ तो? दिन के 3 बज चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देवघर का त्रिकुट मंदिर, वहाँ जो भी अगल बगल मंदिर रहेगा वहाँ हम लोग घुसने वाले हैं। तो हम तो पहली बार जा रहे हैं तो अभी नहीं पता है। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठे हैं, रिजर्व किए हैं। हम लोग अब त्रिकुट पर्वत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। सो आप लोग देखिएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखे नहीं है कभी। तो ये रहा मंकी, सो क्यूट, बहुत सुंदर दिखता है, खाते रहता है। यहाँ पे ढेर सारे मंकी हैं। और ये है त्रिकुट पर्वत, और वो है रोप वे जहाँ पर चलता था। तो आप लोग जानते ही होंगे वहाँ का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। सो अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग यूट्यूब में ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर काफ़ी जड़ी बूटियाँ बिक रही हैं, और फिर यहाँ पे टेडीज हैं, तरह तरह की सामाने हैं डेकोरेशन के, सारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। देखेंगे वापस आते टाइम कुछ लेने मन करेगा तो ले लेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं त्रिकुट पर्वत के पास, बहुत करीब। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं और पूजा करते हैं, और इस तरह से ही भीड़ लगा हुआ रहता है। और फिर बाद में हम लोग भी पूजा करेंगे, ऊपर भी शिव का मंदिर है, वहाँ हम लोग जाएंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आगे चल करके काफी प्यारे प्यारे बंदर हैं, इतने सुंदर बंदर यहाँ बैठे रहते हैं। ये पत्थरों से बना हुआ है कुछ, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर जहाँ रोप वे लगा हुआ था हम लोग वहीं जा रहे हैं पास में। तो यहाँ काफी सारे पेड़ हैं, सच में बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग गाइस कमेंट में बताइएगा कि आप लोग यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ आ करके बहुत अलग ही शांति, एकदम अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ हम लोग कुछ देरी देख रहे थे, तो अब ये रोप वे यहाँ नहीं चलता है, पहले चलता था, एक्सीडेंट होने के बाद से ये यहाँ बंद हो गया है। तो ये मशीन सब लगा हुआ है, और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पर सब अंदर बैठे हुए हैं, अंदर मीन्स कि वहाँ पर आराम कर रहे हैं सब, क्योंकि इतना रिलैक्स लगता है। तो बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर घूम करके। और यहाँ पे काफ़ी सीधी सीधी पेड़ सब है, और सब फोटोज ले रहे हैं वहाँ पे सारे टीम के हमारे दोस्त। अरे भैया आप सुनिए, हाय,
ये हमारा क्या शिवनाथ बंदर के साथ हाथ मिलाते हुए फर्स्ट मीटिंग। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये वाव बहुत सुंदर नज़ारा। इसमें पत्थर में ही बंदरों का चित्र बना हुआ है, और इसमें कुछ कहानियाँ स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ किया गया है, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग घूमने ज़रूर आइएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आ करके। और यहाँ बंदर तो इतने हैं, एनी टाइम बंदर है। अगर आप कुछ भी हाथ में कागज पकड़िएगा तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, आपको झपट लेंगे सीधा। और यहाँ पर बहुत सारे रुद्राक्ष आते भगवान टाइम की लेंगे। मूर्तियाँ भी बिक रही है, क्योंकि यहाँ मंदिर है तो वो तो ऑब्वियस होगा ही। और हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर शिव मंदिर की तरफ। यहाँ भी देख सकते हैं कैसे बंदर खाते रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, और पत्थर के बीच अंदर में ये मंदिर है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर, और परमेश्वर काली मंदिर भी है वहाँ पर। और यहाँ हम लोग दर्शन किए, और उसके बाद अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपना रूम, और जाएंगे फिर उसके बाद आगे देखते हैं। कहीं घूमने मन करेगा तो आगे और भी घूम लेंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे। आगे तो और नहीं जा पाए, तो यहाँ हम लोग आ गए हैं जहाँ पर पेड़ा मिलता है। यहाँ पे पेड़ा का बहुत सारा दुकान है। तो हम लोग आए हैं पेड़ा लेने के लिए देवघर में। कौन सा जगह है ना भैया, बता दीजिए कौन सा जगह में आए हैं हम लोग पेड़ा लेने। अच्छा, तो यहाँ हम लोग भैया के यहाँ से ले रहे हैं ये सारा पेड़ा, जो कि बहुत टेस्टी है। आप लोग भी कभी आएंगे तो जरूर ट्राई करिएगा यहाँ से। हम लोग अभी अपने होटल की तरफ लौट रहे हैं।